जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। अनाज कैसे उगाया जाता है कभी देखा है? कभी खेत देखा है? किसान को खेत में काम करते हुए देखा है? मूवीज में देखा है, फार्मर्स बहुत खुश रहते हैं, खेतों में गाना गाते हैं। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो हम माँ बाप की है। हैसियत होती है तो बच्चों को लंदन पेरिस घुमाने ले जाते हैं, और हैसियत नहीं होती तो लंदन पेरिस की फोटो दिखा के बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हैं। असल में माँ बाप को बच्चों को लंदन पेरिस नहीं दिखाना चाहिए, गांव दिखाने चाहिए, खेत दिखाने चाहिए, किसान दिखाने चाहिए। जिसने कभी भी किसान को पसीना बहाते हुए नहीं देखा, बारिश की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए नहीं देखा, गेहूं की फसल नहीं देखी, गेहूं की बाली नहीं देखी, उसे गेहूं के दाने की कदर क्या होगी? इसलिए तो इतनी आसानी से कह दिया कि सारा का सारा खाना फेंक दो। मम्मी मैंने नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, हम आजकल के माँ बाप की, जो बच्चों को ABCD पढ़ाने में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि अन्न का महत्व सिखाना ही भूल जाते हैं। जब हम बचपन में खाने के लिए बैठते थे ना, तो थाली बजा बजा कर गाते थे कि उतना ही लो थाली में, बेकार न जाए नाली में। यही बात मेरी अपनी बेटी नहीं समझ पाई, इसलिए से मुंह उठा के कह दिया कि बचा हुआ सारा का सारा खाना फेंक दो। मम्मी इट्स नॉट माय फॉल्ट अगर मैंने फार्मर्स नहीं देखे, विलेजर्स नहीं देखे। किसान नहीं देखा है पर अपने पापा को काम करके मेहनत करके पैसे कमाते हुए देखा है ना? इतनी तो अकल है तुझ में स्वीटी कि एक एक पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। समर ये पकड़ और तेरा पॉकेट दे, दे। ये पकड़, 3500 पकड़। आप ही पैसे मुझे क्या कहती हो? ये 3500 और ये माचिस ले, इसमें आग लगा दे। अनुपमा, व्हाट इज तुमसे बाद में बात करूंगी, तुझसे बात कर रही हूँ। जला, आग लगाना इसमें। वो मैं पागल थोड़ी हूँ जो पैसों में आग लगा दूंगी। एक बार तो लगा चुकी है ना, तो फिर दूसरी बार लगाने में क्यों हिचकिचा रही है? इधर आ, इधर आ। ये दो पेस्ट्री आधी आधी खा के छोड़ी है, एक पेस्ट्री को बांट के भी खा सकते थे ना, मगर नहीं, 140 रुपए का नुकसान। ये मिल्क शेक निशा ने इसमें से दो सिप पिए, दो सिप। वो दो सिप तू उसे चम्मच से नहीं चखा सकती थी? अगर नहीं चखा सकती थी तो छोटा गिलास मंगाना था ने, ये फुल साइज का बड़ा गिलास मंगाने की क्या जरूरत थी? 180 रुपए का नुकसान। ये पिज्जा चार चार अलग अलग बॉक्स खोल के रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा खा के सब छोड़ दिया है। क्यों? एक बॉक्स खोल के उसे खत्म करके फिर दूसरा बॉक्स नहीं खोल सकते थे तुम लोग? 560 रुपए का नुकसान। ये 200 रुपए का, ये 260 रुपए का, ये 440 रुपए, मतलब बाकी सब कुछ मिला के 3500, मतलब 4200 के ऑर्डर में से 3500 रुपए का तूने नुकसान कर दिया। और कितनी आसानी से कहती है कि सारा बचा हुआ खाना फेंक दो। कहाँ फेंकू मैं? ओ स्वीटी, कहाँ फेंकू? कुत्तों को खिला दूँ या फिर गाय को खिला दूँ? अरे पर वो ये पेस्ट्री तो खा भी नहीं सकते ना, उनके शरीर को नुकसान करेगा, तो क्या करूँ इसका? इतने पैसे बर्बाद, इतना इतना अन्न बर्बाद, दुनिया में लोग भूख से मर रहे हैं, अनाज के एक एक दाने के लिए तरसते हैं,
तेरे मुंह से निकला कैसे कि सारा का सारा बचा हुआ खाना उठा के फेंक दो? अनुपमा, इतनी बड़ी बात नहीं है। तू हमेशा कहती रहती है ना, कोई कुछ भी सिखाए कुछ भी समझाए तो तू फटाफट क्या बोलती है, मैं बच्ची नहीं हूँ। पर तू सिर्फ कहती है स्वीटी, तेरी हरकतें तो एकदम बच्चे जैसी है। नहीं नहीं नहीं, गोद में खेलने वाले बच्चे जैसी है, या तो उससे भी बेकार। अरे तू अपने दोस्तों को बुला, जो मर्जी करना है कर, पार्टी कर, एंजॉय कर, खाना मंगा, लेकिन उतना ही खाना मंगा जितना खा सके, जो ऐसे बर्बाद ना हो। दावत कर, दिखावा नहीं। अनुपमा, बात को बढ़ाओ मत। बात आपने बढ़ाई है, मामा जी तो बेचारे भूल गए, पर जब ड्राइवर आया तब तो आपको पता चल गया था ना कि खाना कहाँ जा रहा है, तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? अरे पाखी का ऑर्डर था, मैं क्यों कहता कुछ? क्यों नहीं कहते? आपको तो पता है ना कि बच्चे कितना कितना सा खाते हैं, चिड़िया जितना तो खाती है ये लड़कियाँ। जब आपको पता चला कि ऑर्डर स्वीटी के लिए है, तो आप इस ऑर्डर को आधा कर सकते थे, कम से कम इस तरह से ऐसे खाना बर्बाद तो नहीं होता, अन्न का अपमान नहीं होता। तो आप चाहती है कि मेरे फ्रेंड्स भूखे जाते? इस घर से डाकिया तब भूखा नहीं जाता बेटा, तो तेरे फ्रेंड्स को क्या जाने देते? पर तुझे इतनी तो समझ होनी चाहिए ना स्वीटी, कि जब भूख अंगूर की हो तो तरबूज नहीं मंगाते। अब रहने दो, क्यों बिना मतलब मैं पाकी का मूड खराब कर रही हूँ? बच्ची है वो। बच्ची नहीं है ये, और इससे ज्यादा अकल तो बच्चों में होती है। घुटनों के बल चलने वाला बच्चा भी जमीन से अन्न उठा के खा लेता है, और ये पूरा का पूरा अन्न फेंकने की बात कर रही है। Oh my God, इतना सा खाना वेस्ट हुआ। मैं अभी तक अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। क्या बात करनी है मम्मी आपको? पापा इतना सा खाना वेस्ट करना इतनी बड़ी गलती है क्या? नहीं बेटा, थोड़ा आप इसकी गलती को बढ़ावा मत दीजिए। अनुपमा बहुत हो गया। वही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत हो गया, इसकी जीत, इसका बचपना बहुत हो गया। हाँ स्वीटी, बच्चों को धूप छाव प्यार डांट सबकी बराबर बराबर जरूरत पड़ती है। आज डांट पड़ रही है तो पढ़ने दीजिए। डांट गलती के लिए पड़ती है मम्मी, और मैंने कोई गलती नहीं की है। आर यू रियली सो डम स्वीटी? तू प्रिटेंड करती है, सच में इतनी डम है? शट अप मम्मी के चमचे। स्वीटी तूने इतना सारा खाना वेस्ट कर दिया है। तो नंदिनी भी तो करती है ना, चिप्स का आधा पैकेट खाती है और आधा छोड़ देती है। क्या हुआ, हो गई बोलती बंद? नंदिनी के छोड़े हुए चिप्स मैं खाता हूँ, तू अपने दोस्तों का छोड़ा हुआ खाना खा ले। क्यों, क्या हुआ, अब तेरी बोलती बंद हो गई है? शट अप यू स्वीटी, चुप रह तू। पता तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरा आईक्यू जमीन पर है और ईगो आसमान में। जब तुझे अपनी गलती को रियलाइज करके माफी मांगनी चाहिए, तब तू जस्टिफिकेशन देती रहती है। समर इनफ। काव्या प्लीज, भाई बहन के बीच में मत बोलो। वो क्यों नहीं बोलेंगी बीच में? समर, बाकी देखा रुला दिया ना, टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी। अगर कोई खुश है, कोई हंस रहा है, तो तुमसे देखा नहीं जाता है ना अनुपमा। जब तक इस घर में सब लोग सर पकड़ के रोते ना रहे, तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा ना। तू ना रोज सुबह उठकर हवन किया कर, ताकि आग में घी डालने का तेरा शौक पूरा हो जाए। और तू ये रोना तोना बंद कर, माँ ने थोड़ा सा दाग क्या लिया, गंगा जमुना बहा दी। बस अब ये बात यहीं खत्म। मेरी बेटी जो चाहेगी वो मंगवाएगी और जो चाहेगी वो खाएगी। 4200 रुपए जैसी मामूली रकम के लिए उसे कोई नहीं डांटेगा। ऑलराइट, करेक्ट। और पैसे मैं भर दूंगी, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको लग रहा है कि मैं स्वीटी को पैसों के लिए डांट रही? बच्चों से तो नुकसान होता ही रहता है, महंगी से महंगी वाटर बोतल या फिर घर में पड़ा हुआ कोई भी कांच का सामान टूटता ही रहता है, पर आज तक मैंने अपने किसी भी बच्चे को इस बात के लिए डांटा है? हाँ, पर आज डांट रही हूं क्योंकि बात नुकसान की नहीं, नियत की है। ये गलती इसने जानबूझ के की है, इसलिए इसे डांट पड़ रही है। अब जो हो गया ना वो हो गया है, इनफ। हाँ, पर अगर इसे अभी गलती का एहसास नहीं होगा तो ऐसा दोबारा होगा? होगा तो हो जाए,
मेरी बेटी आज के बाद अन्न का अपमान नहीं करेगी, सुना तूने? इतनी छोटी सी बात को तुमने कितना बड़ा कर दिया अनुपमा। What is wrong with you? अगर छोटी गलती के लिए आज इसे नहीं डांटेंगे, आज इसे नहीं टोकेंगे, तो ये गलती कल को बड़ी बन जाएगी, उसे देर नहीं लगेगी। और ये अभी कोई बच्ची नहीं है, इसे ये दिखावे की आदत छोड़नी पड़ेगी, समझी? अनुपमा सही कह रही है वनराज। तो क्या करूं बा? मैं अपने बच्चों से खाने के पैसे लेना शुरू कर दूं? अरे अनुपमा कह तो रही है कि बात पैसों की नहीं है, इसके रवैये की है। अरे तो रवैया समय के साथ सही हो जाएगा ना? सही करेंगे तो सही होगा ने? बाकी सबसे छोटी है, लाडली है घर की। लाडली होना अलग बात है, बदतमीज होना अलग बात है। और अगर अपने घर वाले ही इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर देंगे तो फिर आगे धंधा कैसे चलेगा? हा? आज ये पाखी के दोस्त के लिए खाना मंगवाया, कल तेरे बापूजी के लिए, परसों समर के दोस्त के लिए, तो धंधे में नुकसान नहीं हो जाएगा? तो बच्चों के तो दोस्त आ ही जाते हैं ना बा। हाँ तो समर, किंजल और तोचू के दोस्त तो नहीं आए? अरे अनुपमा ने अपने डांस स्कूल के बच्चों के लिए भी कभी डिस्काउंट नहीं मांगा। हलवाई जब अपनी दुकान से जिलेबी खाने लगे ना, तो समझो कि 2 महीने में उसकी दुकान बंद हो जाएगी। ओके ओके फाइन, सबको डिस्काउंट मिलेगा, दोस्तों को भी डिस्काउंट मिलेगा, रेफरेंस वालों को भी डिस्काउंट मिलेगा, किसी को फ्री में नहीं मिलेगा। ओके, अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। इस घर में जब भी एक बात शुरू होती है तो चलती ही रहती है, च्युइंगम की तरह खींची चली जाती है। वैसे भी असली प्रॉब्लम तो मेरे और पाखी के क्लोजनेस से है, गुस्सा उसी बात का है। ये सब खाने की वेस्टेज एंड ऑल, ये तो सिर्फ एक बहाना है। जिसे जो समझना है समझ ले, जिसे जो ताने देने हैं दे दे। 100 बात की एक बात, आज के बाद पाखी को अपनी हर हरकत की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चार 2200 के लिए इतना ड्रामा? मैं पैसे भी भर दूंगी और टिप भी। तुम भूल रही हो कि कैफे मेरा नहीं है, तुम्हारे पति का है। और आप इनसे जरा पैसे भी ले लीजिएगा और साथ में टिप भी। बच्चों को संभालना माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी, लेकिन मेरे बच्चों के पापा ने उन्हें बिगाड़ने की जिम्मेदारी लेके रखी। अनुपमा, बात नहीं करनी है मुझे। लेकिन मुझे बात करनी है। तो जो करने को तैयार है उससे जाके कीजिए, मुझसे नहीं। तुम्हें बात नहीं करनी है तो बात सुननी पड़ेगी अनुपमा। क्या जरूरत थी इतना तमाशा करने की बात? वैसे घर में इतनी परेशानियां हैं, तुम और बढ़ा रही हो उन्हें। अरे तुम्हारी अकेडमी चलने के लिए, पर मेरा कैफे अभी नहीं चला, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। ऊपर से काव्या के झगड़े और अब तुम। अरे मुझे थोड़ी शांति चाहिए, तुम लोग इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ सकते हो? अगर शांति चाहिए तो चुप रहिए ना। मैं कह रही हूं मुझे बात नहीं करनी है तो क्यों बोले जा रहे हैं? सुबह से बस एक ही कस्टमर आया है, अपना बिजनेस चलेगा ना? मेरी ना आज 1300 रुपए की कमाई हुई। पहली बार हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला। किसने दिया है मामा जी? मामा जी बस 2 मिनट में अभी खाना लगा देते हो। नहीं, खाने का मूड नहीं है। एक काम करो, एक गिलास दूध ही दे दो। बाम, बापूजी अभी तक नहीं आए? वो आते ही होंगे, पर उनका फोन था कि दोस्तों के साथ खाना खा कर आ रहे। भूख तो मुझे भी नहीं है, मैं भी दूध पी लूंगी। मैं करती हूँ गरम, तू सबको खाना खिला दे।
लेकिन खाना खाएगा कौन? सबकी भूख तो मर गई है, थैंक्स टू अनुपमा। लुक मत दो, जो मैं कह रही हूं ना वही सच है। पापा आपके पैसे पिगी बैंक में से निकाले और जो कुछ होली में मिले थे वो है, 2100 रुपीज है, बाकी भी दे दूंगी। बाकी बेटा डोंट डू दिस, मैं तुमसे पैसे लूंगा क्या? नहीं पापा, सबको लगता है ना कि मैंने गलती की, उसी का फाइन भर रही हूं। क्या बदतमीजी है, एक तो गलती करती है ऊपर से अकड़ दिखाती है, देखो देखो कैसे आंखें दिखा रही है, ये तुम दोनों की गलती का नतीजा है। आजकल के माँ बाप को बच्चे पालने ही नहीं आते, अरे अपने प्यार में थोड़ी डांट थोड़ा डर थोड़ा लियाज मिलाओ ताकि संस्कार बने, वरना बच्चे ऐसे ही आंखें दिखाएंगे तुम्हारी औलाद की तरह। बा आवाज नीचे, ये तो कान के नीचे सितार बजाओगी सारे सूर सही ठिकाने पर आ जाएंगे। बा प्लीज। क्या बा प्लीज, अब ये तेरी बेटी है तो मेरी भी कुछ लगती है, गलती करेगी तो सितार तो बजाऊंगी। आप मुझ पर हाथ उठाएंगी तो क्या पड़ोसी पे उठाऊंगी? आज सभी लोग को ज्ञान देने का शौक चढ़ गया क्या? पीछे पड़ गए आप लोग बच्ची के। कभी कभी तेरी हरकतों से लगता है कि तू काव्या का पति नहीं इसका जुड़वा भाई है, जैसे ये वीवी कर रही है तू पाकी का पीपी शुरू कर दे, फिर थोड़े दिनों में तू मूछो वाली काव्या बन जाएगा। बाप प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाइए। पापा प्लीज, आप लोग मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए, वरना इसका ब्लेम भी मेरे सर पर आएगा कि मैं घर में झगड़ा करवाती हूँ। पापा प्लीज, आप ये पैसे रख लीजिए, मैं बाकी भी दे दूंगी, और अब से जब भी मैं आपके कैफे से कुछ भी ऑर्डर करूंगी तो पूरे पैसे देकर। खाना खा के जा। ना ना पापा, अभी और पैसे नहीं है मेरे पास। स्वीटी बेटर, मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए। स्वीटी रुक। समर, स्टॉप। आपकी लाडली ने मेरी मम्मी की नहीं सुनी, मैं आपकी नहीं सुनूंगा। समर शांत हो जा वनराज, ये तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। इतना एटीट्यूड क्यों दे रही है तू? चला जा विंटर, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। तू बेवकूफ तो थी स्वीटी, अब तू वायलेंट भी हो गई है। विंटर तू चला जा, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। तू ये प्रॉब्लम चाइल्ड बनना कब बंद करेगी? और कितना अटेंशन चाहिए तुझे? तुझे लगता है ये सब मैं अटेंशन के लिए कर रही हूं? और क्यों करती है ये सब? तुझसे ज्यादा बदतमीज और स्पॉइल ब्रैट पूरे अहमदाबाद में कोई नहीं है। चल मम्मी को चल के सॉरी बोल तू, तेरे वजह से मम्मी और मिस्टर शाह के बीच में फिर से प्रॉब्लम हो गई। चल तो होने देना, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। छोड़। क्या मिला तुम्हें, क्या मिला तुम्हें इस घर में कलेश करवा के? जो भी कहना था मुझसे कहती ना, बेचारी पाखी को क्यों इतना सुना दिया? अभी नहीं यहाँ काव्या, अभी नहीं। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी भूखी सोएगी। वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है मिस्टर शाह, मेरी भी बेटी है, और मेरी बेटी को भूख लगने से पहले मुझे पता चल जाता है कि उसे भूख लगी है। अगर वो भूखी होती ना तो मैं यहाँ नहीं खड़ी होती, उसके कमरे में होती थाली लेकर। माँ हूँ मैं उसकी, और माँ मर जाएगी लेकिन अपने बच्चे को भूखे पेट नहीं सोने देगी। जितना सब कुछ उसने आज खाया ना, ये पिज्जा बर्गर और पता नहीं क्या क्या, इससे उसे कल तक भूख नहीं लगने वाली है। वो भूखी नहीं है, गुस्सा है, वो भी बिना बात के। बिना बात का? तुम और बा उसके पीछे पड़ गए हो, उसे डांट रहे हो, और उसे बिना बात का गुस्सा है? आप तो ऐसे कह रहे हैं हम उसके पीछे पड़े हुए जैसे हम कोई चोर हैं। अरे ये उसकी बा है, मैं उसकी माँ हूँ, अगर हम उसे नहीं डांटेंगे तो क्या भगवान जी नीचे आएंगे उसके कान खींचने के लिए? बच्चा अगर बदतमीजी करे तो उसके साथ सख्ती से पेश आना ही पड़ता है, अगर गलती पे भी उसे पूछ करते रहेंगे तो वो बिगड़ जाता है। जैसे समर कमाल है, कोई भी बात हो आप पूरी दुनिया की परिक्रमा करके मेरे बेटे पे ही आ जाते। अगर तुम्हारे लाडले ने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए।
मेरे समर को मेरी परवरिश मिली है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।